प्रॉब्लम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल लाइनिंग जो है वो इसके अंदर देखने को मिल रही है इस तरीके की। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे किसी भी पैनल के अंदर वर्टिकल बार आता है, वर्टिकल लाइनिंग आती है, कलरफुल लाइनिंग आती है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम स्टेप बाई स्टेप चेक करते हैं और रिपेयर करते हैं। तो अभी मेरे पास जो पैनल है वो LG कंपनी का पैनल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 FFC वाला कनेक्टर वाला जो पैनल होता है, तो वो पैनल अभी मेरे पास है। ये 32 इंची ज़्यादातर ओल्ड मॉडल में हमारे को देखने को मिलता था। अभी क्या है, ये हमारे को जो है ये लोकल सेट में लगा हुआ है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो इसको सेट को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमारे को ऑन ऑफ स्विच को जो है शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्विच है वो ख़राब हो चुका है। तो इसको हम ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल लाइनिंग जो है वो इसके अंदर देखने को मिल रही है इस तरीके की। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कई बार जो होता है कि गेट लाइन मिसिंग होने से भी दिक्कत आती है, या फिर दिक्कत आती है कई बार कई वोल्टेज मिसिंग हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद ही पता लगेगा कि इसको किस तरीके से रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ, और ये ब्लैक वायर हमने ग्राउंड कर दी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सभी वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी DC to DC सर्किट के अंदर जाती है, जब हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये सीधी हमारे जो कि TCON IC के अंदर जाती है। और TCON IC के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यानी कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमारे PF पे आ रही है, तो इसका मतलब जो है हमारा 3.3 वोल्ट TCON IC के अंदर जा रही है। अभी TCON IC को जब 3.3 वोल्ट की सप्लाई जब मिल जाएगी, तो TCON IC जो है DC to DC IC के लिए वोल्टेज आउट करेगी, इनेबल वोल्टेज, और उसके बाद हमारा AVDD वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AVDD जो है हमारा 16-17 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और जब हमारा AVDD बनता है, तो ये AVDD वोल्टेज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ज पंप सर्किट बना हुआ है, और ये चार्ज पंप सर्किट के द्वारा हमारा जो VGH वोल्टेज है वो यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 26 वोल्ट की सप्लाई, सॉरी यहाँ पे आपकी 26 वोल्ट की सप्लाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये 26 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ये हमारा ये नेगेटिव चार्ज पंप सर्किट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो माइनस वोल्टेज यहाँ पर इसका बन रहा है, यानी कि VGL वोल्टेज है -5 या 6 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज बन रही है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यानी कि इसकी जो ओल्ड वोल्टेज है, यानी कि वो सारी वोल्टेज ओके हैं। तो तब भी इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को देखने को मिलती है, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो TCON IC की आती है। यानी कि TCON IC जो होती है हमारी, जो LVDS सिग्नल होते हैं उसको RSDS सिग्नल में जब कन्वर्ट नहीं करेगी, तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलेगी। लेकिन TCON IC को चेक करने के लिए सबसे पहले TCON IC का हमारे को रीसेट सर्किट चेक करना होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो होती है एक तरीके का प्रोसेसर भी है, और प्रोसेसर को कहाँ जब भी हमारा ऑफ़ करके ऑन करते हैं, तो ये हमारा एक बार रीसेट होता है। यानी कि काम करने के लिए इसको रीसेट होना ज़रूरी होता है। तो जब तक ये रीसेट नहीं होगी, तब तक हमारा ये जो IC है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। और इसको रीसेट करने के लिए भी एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे जो है इसके रीसेट का जो पिन है, और इस रीसेट पिन पे हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। यानी कि इस रीसेट पिन पर हमारे को 3.3 वोल्ट मिलता है। अब ये रीसेट पिन का हमारे को कैसे पता लगेगा, जब भी आप सीमेटिक इसका देखेंगे, जो TCON IC होती है, TCON IC का अगर आप सीमेटिक देखेंगे, तो सीमेटिक के द्वारा आपको कन्फर्म होगा कि ये जो रीसेट सर्किट है वो कहाँ पर है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि TCON IC किस तरीके से रीसेट होती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको पूरा ट्रेनिंग के अंदर कन्फर्म होगा। अभी क्या है कि अगर हम रीसेट पिन पर अगर देखते हैं, तो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही है। और जब तक ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलेगी, तब तक ये IC रीसेट नहीं होगी, जिससे कि हमारा आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई देकर चेक करता हूँ कि हमारा ये 3.3 वोल्ट देने पर भी हमारा जो TCON IC है वो प्रॉपर तरीके से काम करती है या नहीं करती है। अगर ये काम नहीं करती है, तो इसका मतलब TCON IC हमारी ख़राब हो चुकी है,
और अगर ये काम करती है तो आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को सबसे पहले सेट को ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद हमारे को यहाँ पे करना क्या है, एक जंपर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईसी जो होती है इसको रीसेट करने के लिए कई बार डीसी टू डीसी आईसी से सप्लाई आती है, कई बार क्या होता है इसी आईसी के अंदर ही सर्किट होता है जो ऑटोमेटिक इसको रीसेट करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे को सीमेटिक देखने के बाद ही कन्फर्म होती है। अभी क्या है कि अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ऑन है, यहाँ पे हम इसको क्या है सोल्डिंग करके देखते हैं, और सोल्डिंग करने के बाद हमारे को ये चीज़ें कन्फर्म होगी। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक सोल्डर ले लेते हैं और एक जम्पर वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या है हम एक जम्पर लगाते हैं। थ्री वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट देके चेक करते हैं, तो मैं यहाँ से एक वीसीसी वोल्टेज ले रहा हूँ जो कि हमारा बक कन्वर्टर यहाँ पे बना हुआ है डीसी टू डीसी सर्किट के अंदर। तो यहाँ से हम इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई लेंगे, और जब भी आप काम करते हैं तो जब भी सप्लाई यहाँ लेनी होती है तो बक कन्वर्टर के द्वारा ही ली जाती है। कई बार वोल्टेज देने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आईसी भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे मैं जो सप्लाई ले रहा हूँ वो बक कन्वर्टर से ही ले रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम एक जम्पर लगाते हैं, यहाँ से हम एक जम्पर उठाते हैं और ये जम्पर सीधा अपनी रीसेट पिन पर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारी रीसेट पिन है, तो रीसेट पिन पर हम ये सप्लाई दे देते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा सोल्डर अच्छे से लगा लेते हैं ताकि ये पिनें हमारी शॉर्ट ना हो। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसको सप्लाई दे दी है, और सप्लाई देने के बाद अगर हम ऑन करके चेक करते हैं तो हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ पे स्टेबल रहती है या फिर ड्रॉप होती है, तो वो चीज़ें भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको सेट को ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और अभी अगर हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर की क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।